जो ऑमलेट खाएगा बार बार खाएगा मजा आएगा। मिश्वना सारी रात स्टार बस पत्ते रोज़ रात स्टार पे ब्रांच के। सलाम अलैकुम, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइस आज का भी डेली व्लॉग है, तो स्टार्टिंग मैं अभी उठा रहा हूँ शाम के टाइम, क्योंकि सुबह मैंने स्टार्टिंग नहीं उठाई। तो मैंने क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज व्लॉग बनाऊंगा, तो फिर मैंने सोचा नहीं यार डेली व्लॉगिंग करनी है, मैं भी सीख जाऊंगा। चलो जो कुछ भी दिखाऊंगा आपको वीडियो में, तो चलो फिर भी वीडियो बनाना है आज। तो गाइज आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा कंटेंट है। तो व्लॉग में मुझे दूसरे कपड़े होंगे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है इस टाइम, इसलिए मैंने कपड़े बाहर दूसरे चेंज के ऊपर से अपर लगाया मैंने सर्दी की वजह से। तो गाइज आज का वीडियो पूरा देखना, आपका भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करो। और जिसको वीडियो पसंद ना आए वो भी भाई यार कमेंट किया करो, कमेंट करोगे अगर मेरे से कोई गलती होती है इंशाल्लाह मैं भी जल्दी आप वो गलती सुधार लूँगा अपनी, बस आप कमेंट किया करो नीचे कमेंट बॉक्स में। इसीलिए कमेंट बॉक्स दिया है उन्होंने क्योंकि आप कमेंट करो, अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती है भाई की तो आप कमेंट किया करो। तो बस बाकी बने रहिए वीडियो के साथ, जो जो आज दिन को आपके भाई ने किया है वो आपसे भी शेयर करेंगे, तो बस बने रहिए वीडियो के साथ। तो गाइज फाइनली वेरीनाग मार्केट में पहुंच चुका हूं मैं, और आप थोड़ी सी झलक देख सकते हो सुबह की झलक है कुछ वेरीनाग मार्केट की। तो आज थोड़ी हल्की फुल्की सी धूप भी निकली है गाइज, तो बस मुझे यहां पे गाड़ी में बैठ। तो गाइज लारकीपुरा से आके अभी मैं डूरू मार्केट में हूँ, मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा काम था। आप देख सकते हो कि मैं अभी डूरू मार्केट में हूँ, तो मुझे वेरीनाग की गाड़ी में बैठना है यहाँ पे। ये वेरीनाग की गाड़ी लगी है वेरी, वेरनाग मार्केट में मैं पहुंच चुका हूं। आप पीछे वेरनाग का मार्केट देख सकते हो। तो आज भाई को थोड़ी सी सेटिंग करनी है बालों की, तो अभी नाई की दुकान पे जाना है, थोड़ी सी सेटिंग करेंगे हम भी बालों शालों की। तो सलाम अलैकुम, तो ऊपर जाना है सलीम भाई की दुकान पे, तो थोड़ी सी सेटिंग करेंगे वहाँ पर बालों की, क्योंकि आप देख सकते हो कि बाल कितने ज़्यादा आ चुके हैं ना, दाढ़ी कितनी आ चुकी है। तो सलीम भाई की दुकान पर जाएँगे गाइस। तो गाइस आ चुके हैं हम सलीम भाई की दुकान के पास, अभी अपनी बालों की सेटिंग करनी है, तो बस बने रहिए वीडियो के साथ, कटिंग के बाद मिलेंगे, फिर आपको भी दिखाएंगे कैसी कटिंग करेगा भाई अपना। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो दाढ़ी ना बहुत ज़्यादा आई थी, कटिंग भी आई थी बहुत ज़्यादा, बाल बहुत ज़्यादा आए थे साइडों में, तो अभी आपके भाई ने सेटिंग कर लिया। अभी तो एक महीने के लिए मैं फ्रेश हो गया हूँ, अब एक महीने कुछ भी नहीं करना है, ना बाल काटने हैं ना दाढ़ी को कुछ करना है। सलीम भाई की दुकान पे आया था मैं, तो ये सलीम भाई की दुकान है पीछे, तो वेरनाग में ही मेन मार्केट में सलीम भाई की दुकान है, सेकेंड फ्लोर पर ये मेन मार्केट। ये भी आपसे शेयर करना था क्योंकि डेली व्लॉगिंग करनी है, जो जो आपको भाई को करने हैं दिन को वो आपसे भी शेयर करें, क्योंकि डेली व्लॉगिंग का ना यही रूटीन है, जो भी आपका भाई करेगा चाहे बाल ही काटे खाना ही खाए है आपसे भी शेयर करना है गाइस। तो बस अभी सलीम भाई की दुकान से निकल के जहां जहां आपका भाई जाएगा आपसे भी शेयर करेंगे गाइस। मेरे हाथ में देख सकते हो आप अभी, ये है थ्रोट फिश, थ्रोट फिश है ये मछली, बहुत बड़ी है, कम से कम 1 किलो की होगी है, ये दूसरे टाइप की है कोई पता नहीं ये कौन सी वाली है। ये देख सकते हो आप बड़ी बड़ी मछलियाँ वेरीनाग की, कम से कम ये वाली 3-3.5 किलो की होगी। तो गाइस फाइनली कटिंग शटिंग करने के बाद आ चुका हूँ मैं, घर के लिए जाना है बस वापस। तो ये पीछे राजा भाई की होटल पड़ेगा, पीछे राजा भाई का, तो यहाँ पर भी जाना है राजा भाई के पास, राजा भाई से बात भी करनी है, क्योंकि आज राजा भाई को ना भी थोड़ी उसको भी सेटिंग करनी थी, उसके साथ भी जाऊंगा फिर मैं शाम को, वो भी व्लॉग में लाएंगे क्योंकि आज राजा भाई को कटिंग करनी है। तो फाइनली राजा भाई अपने, हाँ राजा भाई कहाँ कहाँ ले जाने ये हो ये इधर लेना, तो जा आ जा घूम के। तो फाइनली राजा भाई के होटल पर पहुँच चुका हूँ मैं, और अभी मैं चेयर पर बैठूँगा, तो राजा भाई का वेट करेंगे, राजा भाई से बात करेंगे क्योंकि उसको भी जाना है आज, उसको भी थोड़ी सी सेटिंग करनी है बालों की, तो वो भी आपको खुद ही बोलेगा आगे क्या क्या करना है, क्या क्या होगा व्लॉग में आज के व्लॉग में। मैंने सोचा मैं अपना काम करूं क्योंकि राजा भाई का तो उस टाइम वीडियो उठाना है ना,
उस टाइम राजा भाई का वीडियो बनाना है तो इसीलिए मैंने पहले ही खुद की सेटिंग कर ली, अब राजा भाई की करनी है फिर। तो गाइस बस राजा भाई का वेट करेंगे, राजा भाई आएंगे तो वो भी आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करेंगे वो। तो गाइस राजा भाई की एक बात खास है, आप यहाँ पे साफ सफाई देख सकते हो, राजा भाई ना हाइजीन का पूरा ख्याल रखते हैं, आप देख सकते हो राजा भाई। हाय गाइस, सलाम अलैकुम, हेलो, चाय कितना? अच्छा अच्छा चलिए, वो तेल वर छु तेल वर, अच्छा। ओ राजा भाई, क्या ठीक है, क्या हाल है? बस बढ़िया यार। गाइस राजा भाई आ गए चाय डाल के। हाँ डेली राजा भाई, हाँ आज देखो कुछ करना है ना, क्या क्या करना है तुझे आज? यार कटिंग करनी थी यार। और क्या क्या करना है? कटिंग सिर्फ कटिंग करनी थी यार, आज शाम को जाना है मुझे कटिंग करने, उधर ग्लास बनाएंगे हम, ग्लास बनाने राजा भाई इसी कटिंग करने के लिए शाम को। तो हमारे साथ है फाजिल भाई, ये भी जाएंगे, आप उधर ग्लास बनाएंगे थोड़ा, तो जो भी आज हो जाएंगे ग्लास तो आपके साथ बने रहूँगा, तो शेयर करूँगा। तो और शाम को जाऊंगा कटिंग करने के लिए। और बाल छोटे रख लेना। हाँ थोड़ा राजा भाई के बाल हम आज छोटे करेंगे बिल्कुल। हाँ देखो मेरा बाल ये ज्यादा लंबा हो गया है, ज्यादा लंबा हो गया है ना, घर तो डांट पड़ती है ना, घर में डांट पड़ती है। खाने के वक्त जब नीचे आता है तो घर वाले पूछते हैं कि ये काट लेते हैं, लेकिन इस बात तो मुझे कंटिन्यू आपके लिए हम दो ही व्लॉग बना के लाएंगे, हम दो कंटिन्यू होंगे व्लॉग में, तो राजा भाई और मैं हम इंशाल्लाह कंटिन्यू व्लॉग लाएंगे आपके लिए। बस जितना हो सके उतना सपोर्ट करो, कीप सपोर्टिंग गाइस, है ना। तो आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, अच्छा कंटेंट है, राजा भाई को कटिंग करनी है, तो भाई तब तक के लिए दे दो भाई को इजाजत, मिलेंगे थोड़ी देर बाद, है ना राजा भाई। और खुश रखेंगे और सब्सक्राइब करो, तो ज्यादा से ज्यादा हम आगे चले, तो फिर भी हम मेहनत करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें शेयर भी करें। क्या कर रहे राजा भाई? बस प्याज और धनिया मिर्ची काटते हैं इधर आमलेट के लिए, जो आमलेट खाएगा बार बार खाएगा मजा आएगा। अच्छा जो आमलेट खाएगा बार बार खाएगा मजा आएगा उसको, है ना। चलो राजा भाई करो करो आप अपना काम। देख ले ये सब्ज धनिया डालते हैं हम, ये दो दिन की चार दिन की नहीं है। अच्छा ताजी यार, ताजी लाई है यार, देख ले हरी मिर्च भी ताजी है, प्याज भी ताजी है, कोई कल की नहीं है, परसों की नहीं है यार, ये ताजी लाई है अभी आमलेट के लिए, देख ले ठीक है भाजू भाई। ओके ओके भैया। तो राजा भाई के होटल से आ गया मैं, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा अच्छा सा व्यू दिखाऊं, आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हो, बहुत ही अच्छा व्यू है मेरे पीछे देखने के लिए। तो मैं गार्डन के साइड आया हूं, गार्डन में नहीं गया मैं, तो दूसरी साइड आया हूं मैं हूँ, बहुत सारे लोग इस साइड नहीं आए होंगे, तो बहुत सारे जो यहाँ के लोकल है वो तो कंटिन्यू आते हैं, जो लेकिन बाहर के हैं उनको नहीं पता है इस साइड का। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा व्यू दिखाऊं, डेली व्लॉगिंग करनी है गाइस, डेली व्लॉगिंग में मैं फिर भी सोचता हूँ आपके लिए यार, ये ना बनाऊं कि मैं खाना खा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ आपके लिए थोड़ा सा एक तो कॉमेडी राजा भाई की, ऊपर से मैं समझता हूँ आपके लिए अच्छा सा व्यू दिखाऊं मैं गाइस। पहले आपको मैं पीछे का व्यू दिखाता हूँ, तो जो अभी तक भाई के पेज पे और भाई के चैनल पे नए हैं वो पेज को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो पहले पीछे का व्यू दिखाता हूँ फिर और बातें होंगी आपके साथ, तो पहले आप पीछे का गाइस व्यू एंजॉय करो। तो गाइस ये था कुछ पीछे का व्यू, आप देख रहे हो बहुत ही अच्छी खूबसूरती देखने को मिल रही है, बहुत ही खूबसूरत वादियाँ, और आगे आप खूबसूरत पहाड़ देख सकते हो। उस साइड के पहाड़ों पे तो बर्फ बहुत ज़्यादा है लेकिन इस साइड उतनी नहीं गिरी है। तो गार्डन इस साइड पड़ता है, आपको मैं दिखा दूँ आपकी जानकारी के लिए, गार्डन इस साइड पड़ता है, तो मैं यहाँ से आया था गाइस इस रास्ते से, तो गार्डन इस साइड पड़ता है। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, तो बहुत ही अच्छी प्लेस है, बचपन में हम यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे गाइस, अब तो यहाँ पे आता नहीं है कोई, लेकिन हम आते थे एक ज़माने में, लेदर बॉल को खेलते थे, दो दो रुपए मैच खेलते थे तब, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, बचपन की यादें जुड़ी है इस इलाके के साथ, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ गाइस मैं। तो यहाँ पर हम बचपन में खेलने के लिए आते थे, तो मैं गाइस इस साइड में रहता हूँ, ये बीकन है यहाँ पर, तो उसके परले साइड मैं उस साइड में रहता हूँ। ये वो आगे वाले पहाड़ जिन पे आपको आपको ये वाइट वाइट दिख रहे होंगे ना पूरे, इन पे बहुत बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है, आगे तो आपको दिख रहा होगा पूरे वाइट वाइट पहाड़, इस साइड पूरी बर्फ़ गिरी है। गाइस आपको आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बोल दूं कि अभी यहाँ पे ना
तो होटल बन रहे हैं नए नए, तो इंशाल्लाह अगले साल से, मेरे ख्याल से अगले साल से होटल ना सभी चालू हो जाएंगे, तो आप फिर यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे विजिट कर सकते हो वेरीनाग नाइट कैंपिंग के लिए, दो दिन तीन दिन जितने दिन आपको स्टे करना होगा वेरीनाग में आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इंशाल्लाह इन होटलों का ना इनका काम चल रहा था, फिर बीच में रुक गया, लेकिन अब फिर से स्टार्ट हो गया इनका काम, तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। तो गाइस ये आपने पीछे कुछ व्यू देखा था, ये मैं आया था थोड़ा गार्डन से ऊपर ही, तो मैंने सोचा आपके लिए अच्छा सा कंटेंट बना के लाऊं मैं, बस डेली व्लॉगिंग करनी है गाइस, डेली व्लॉगिंग में मतलब जो जो अच्छा अच्छा करेगा भाई, मैं सोचता हूँ यार दिन को तो उतना खास मैं कुछ करता नहीं हूँ यार, अब मैं बोलूँगा वहाँ जाना है यहाँ जाना है, जाना कहीं नहीं होता है, जाना मुझे खाली लारकीपुरा होता है, उधर से आके फिर घर में ही होता हूँ मैं। अभी मैं फ़िलहाल इसलिए डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ना कुछ वर्ड्स कुछ बातें मुझे बोलनी नहीं आती है, मतलब मिच कसम थोड़ा अटकजर, तो वो सीखना है मुझे पूरा, इंशाल्लाह सीख जाऊँगा मैं, तो जितना जितना मैं डेली कोशिश करूँगा, जितनी जितनी मैं डेली मेहनत करूँगा उतना उतना मेरे मुँह पर खुद ब खुद बातें आएँगी। तो बस तब तक के लिए गाइस बने रहे वीडियो के साथ, अब जो जो आगे होगा आपसे भी शेयर करेंगे। गाइस जैसे कि आपको पता है कि राजा भाई को नाई की दुकान पे जाना है कटिंग करने के लिए, तो अब मैं राजा भाई की दुकान पे जाऊंगा क्योंकि चाय चाय मैंने भी पी ली, अभी आज शाम होने वाला है, अंधेरा होने वाला है, आपके लिए वीडियो अभी भी अपलोड करना है, तो राजा भाई के साथ जाऊंगा मैं, तो आगे आपको सब कुछ वीडियो में पता चलेगा। तो प्लीज़ 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 फिर से आपको भाई बोल रहे हैं जो भाई की चैनल पे नए है, भाई के पेज पर नए है, वो पेज को तब तक फॉलो करो जब तक मैं राजा भाई की दुकान पर पहुँच जाऊँगा। तो राजा भाई और मैं, राजा भाई गाइस, हाँ हाँ कहाँ जाना है भाई को, राजा भाई को धबंग को जाना है नाई की दुकान पे, थोड़ा सा कटिंग सेटिंग करनी है, तो नाई की दुकान पे मुलाकात होगी है ना राजा भाई? हाँ मुलाकात तो होगी। हम पहुँचे सलीम भाई के दुकान के पास ही, हम कटिंग करेंगे अभी, 10-15 मिनट लगेंगे, पहली बार आए थे यहाँ, तो देखेंगे सलीम भाई कितना अच्छी कटिंग करेंगे यहाँ, अच्छी अच्छी करेंगे। मैं राजा भाई, रॉक स्टार की कटिंग कोई गलत कर सकता है? हर रोज तेरी कटिंग थोड़ी गलत करेगा सलीम भाई यार, तेरे को रॉक स्टार बनाएंगे यार। नहीं मेरे तो आज अलग सी कटिंग करना है, तो फिर मैं उधर आज अलग कटाई कर रही है राजा भाई को, कौन सी कटाई कर रही है बोल रहा यार, सिटअप बाई सिटअप करनी है कटाई, इधर किधर से, तो ये ऊपर के बाल जो है थोड़ा काटना है इधर, हाँ तो देखेंगे सलीम भाई कितना अच्छी कटिंग करेंगे। सलीम भाई असल कटाई कर जाए, हम तेरे को राक्षस कटिंग करेंगे, विश्वना सहरी राज स्टार, बस 10 रोज और राज स्टार पे ब्रांच के हम 3 स्टार लगाएंगे तेरे को, हाँ मगर दुख में हूँ इनके चुल्ब कटाई कर, आज कर बहुत छोट मास, तो वन आप वंद वंदस मंच का सं थोड़ा मुश्किल ही छालूं, टाइम वारिया टाइम लगन छालना, तो लगभग आज जगांट दाई घंट बाद चुस्म नेरम बाथरूम में, आज कर बहुत छोट मास मकला बस आज गांव दही, तो अब वन मैं तेल तेरा आज स्टार जी, तेल तो राज स्टार था, आज तो राज स्टार, इसका मास्टर सिस का राज स्टार, हाँ और क्या, मुझे तो आज तो राज स्टार थी, पगा दिरोज राज स्टार। गाइस फाइनली आप देख सकते हो राजा भाई की कटिंग हो चुकी है पूरी, राजा भाई हाँ यार तू तो रॉक स्टार बन गया यार, छा हाँ, गया तो यार पूरा रॉक स्टार बन गया, क्या कैसी लग रही है कटाई तेरे को आज? बहुत अच्छी लग रही है सलीम भाई ने, बहुत अच्छी कटिंग की है। आप क्या कहना चाहते हैं सलीम भाई के बारे में, राजा भाई लोगों को कि कैसी कटाई करते हैं? हाँ सलीम भाई अच्छी कटिंग कर रही है इधर, तो इधर आना कटिंग ठीक से ये करेगा, तो फाइनली मुझे बहुत अच्छा लगा जब सलीम भाई ने कटिंग किया इधर, तो गाइस यहाँ आना और कटिंग करवाने, यहाँ तो सलीम भाई अच्छी हैंड दिखाता है यहाँ, तो गाइस हम चलेंगे घर, तो नहाएंगे बाल वाल नहाएंगे इधर, तो बाल दिखा दे एक बार, हाँ देख लेंगे ज्यादा नहीं है आज, आप छोटा कर दिया आज बाल, तो वैसे भी ठीक लग रहा है,
तो गाइस पहले साइड से भी दिखा, हाँ इधर पीछे दिखा दो, थोड़ा पीछे पीछे भी दिखाएंगे राजा भाई को। हाँ राजा भाई, हाँ, कैसी लग रही है गाइस? यार भाई गाइस को बढ़िया लगेगी, तेरे को कैसी लग रही है? हाँ, बहुत अच्छा, ओके बहुत आंसू अच्छा। क्यों आ रहे हैं आंखों में? मसाज किया ना तूने? किया यार, थोड़ा चिकना हो गया आज। हाँ। बना दिया राजा भाई को दूल्हा बना दिया आज हमने इसको। हाँ। सलीम भाई ने दूल्हा बना दिया राजा भाई को, है ना? शुक्रिया सलीम भाई, थैंक यू। गाइस फाइनली राजा भाई का भी कटाई शटाई हो गया, जो इसको करना था भाई को वो किया इसने। बाहर अंधेरा भी हो चुका है, कम से कम अभी टाइम हो चुके हैं, कम से कम 8 बजने वाले हैं, 10 मिनट कम 8 बजने वाले हैं ना राजा भाई। लेट हो गया हमको, लेट हो गया बहुत। अब घर निकलेंगे और व्लॉग आज का एंड भी करना है। रॉकस्टार कटाई दिखा दे अपनी यार, भाई के बाल देखो यार। भाई बोल दे अभी लास्ट में, सब्सक्राइब कर दो पेज को, फॉलो करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, शेयर भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी। तो गाइस हम जा रहे हैं अपने घर, तो कल या परसों मिलेंगे गाइस। थैंक यू गाइस। तो गाइस अब राजा भाई का भी हो गया है जो इसको करना था, तो बस अब आज का व्लॉग एंड भी करना है। तो कीप सपोर्टिंग, जितना हो सके उतना भाई को सपोर्ट करो, भाई की जान को शेयर करो। तो आज का व्लॉग गाइस एंड भी करना है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू फ्रेश वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दे दो भाई को इजाजत, खुदा हाफिज। भाई के लिए दुआ करना, ऑलवेज भाई की दुआ आपके साथ है। तब तक के लिए।